अज भारत दे वल्लों दो पाकिस्तानी बच्चियां नूं रिहा किया जाएगा। कहा जा रहा है कि गलती दे नाल ए दोवें नाबालग बच्चे भारत की सीमा दे विच दाखल हो गई थी, जिस तों बाद दे विच इन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया सी। दो साल पहला यह दाखिल हुई थी ते हुण दो साल बाद कहा जा रहा है कि इन्हां दी अपने वतन वापसी हो जा रही है। 31 अगस्त 2022 नूं इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया सी। तरन तारण अथॉरिटी ने इन्हां दोवां नाबालिग पाकिस्तान बच्चियां नूं पकड़िया सी ते इस तों बाद दे विच इन्हां नूं बाल सुधार घर भेज दिता गया सी ते तरन तारण की अदालत दे विच इन्हां दोवां दे खिलाफ केस चलिया सी। 18 अप्रैल नूं दोवां नूं बरी कर दिता गया। अंतरराष्ट्रीय पद्धर का मामला होने करके कई अड़चना भी आईया, पर हुण इन्हां दोवां दी वापसी हो जा रही है। तो दस दिए कि अटारी सरहद के राही इन्हां दी पाकिस्तान दे विच वापसी हो जा रही है ते हुण इह दोवें बच्चे अपने मापियां नूं दो सालां बाद मिलण जा रहे हैं। तो दस दिए कि भारत सरकार दे वल्लों इह वड्डा फैसला लिया गया, दो पाकिस्तानी बच्चियां नूं रिहा किया जा रहा है। जानकारी मुताबिक कहा जा रहा है कि यह गलती दे नाल दोवें नाबालग बच्चे भारत की सीमा दे विच दाखल हो गई सी, जिस तों बाद तरन तारण अथॉरिटी दे वल्लों इन्हां नूं पकड़ लिया गया सी ते तरन तारण की ही एक अदालत दे विच दोवां दे खिलाफ केस चलिया ते इन्ना चिर इन्हां नूं बाल सुधार घर दे विच रख्या गया सी। ते कहा जा रहा है कि हुण 18 अप्रैल नूं इन्हां नूं दोवां नूं बरी कर दिता गया सी। अंतरराष्ट्रीय मामला होने करके कई तरह दीआं अड़चनां भी आईआं, पर हुण इन्हां दोवां दी अज अटारी सरहद दे राही वापसी जा रही है। दो पाकिस्तानी नैशनल बच्चे जो कि असीं कह सकदे हां कि गलती दे नाल इंडियन बॉर्डर नूं क्रॉस करदे होयां स्ट्रे करदे होयां इंडिया दे विच आ गए ते उन्हां नूं डिस्ट्रिक्ट तरन तारण दीआं अथॉरिटीज़ ने 31-8-2022 नूं गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वह बच्चे सी। इस करके जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थले तरन तारण दीआं कोर्ट्स दे विच उन्हां दा ट्रायल चलिया ते कोर्ट्स ने उन्हां नूं 18/4/23 नूं बरी करता। ये बच्चे जिहड़े ने ऑब्जरवेशन होम फरीदकोट दे विच ही रहे ट्रायल दे दौरान एंड ईवन आफ्टर देयर एक्विटल। हुण एक्विटल तो बाद इन्हां दी जिहड़ी रीपैट्रिएशन सीगी वो एक लोंग ड्रॉन प्रोसीजर है जिहड़ा कि सानूं हायर अथॉरिटीज़ डायरेक्टरेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दे नाल चलाना सी, जिस प्रोसीजर नूं ऑलमोस्ट पिछले एक साल तो वह प्रोसीजर चल रहा सीगा ते वी वर टेकिंग ऑल स्टैप्स ताकि वह जल्दी तो जल्दी अकम्पलिश होए। जनवरी के महीने के साढ़े ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव जज जस्टिस NS शेखावत फरीदकोट सैशनज डिविजन की इंस्पैक्शन कर आए। उस दौरान जो ऑब्जरवेशन होम च आए तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे जो कि बिल्कुल इनोसेंट ने कानून दिया इंट्रीकेसीज करके हजे तक इतने ऑब्जरवेशन होम च है। हालांकि उन्होंने रिलीज़ जी है 18/4/2023 तो इक्विटी दे अकॉर्डिंगली होनी जा हो जानी चाहिए सी। तो ऑनरेबल जस्टिस शेखावत ने यह जिहड़ा वह मुहिम स्टार्ट की, उन्होंने जुडिशल साइड से यह मैटर टेकअप किया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिखाई टू द अथॉरिटीज़ टू एक्सपेडाइट द मैटर। द मैटर वॉज टेकन अप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयरस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वह मैटर सारा कंकलूड होकर अज वो अकम्पलिश हो जा रहा है। तो मैं बहुत फख्र नाल कह रही हाँ, तो बहुत खुशी महसूस कर रही हैं कि वो दोनों बच्चे अज अल्टीमेटली अपनी फैमिली दे नाल यूनाइट होंगे। साढ़े सैकटरी DLSA जो कि CGM लैवल के ऑफिसर ने वो खुद परसनली जाके उन्होंने बच्चों को बॉर्डर क्रॉस करवा के आएंगे। तो वह बच्चे अज अल्टीमेटली आफ्टर ऑलमोस्ट टू ईयर्स वी कैन से दे आर गोइंग टू रीयूनाइट विद देयर पेरेंट्स। सो इस तो फख्र की मोमेंट मैनू नहीं लगता कोई हो सकती है। सो वी शुड ऑल टेक प्राइड इन दिस मोमेंट। नहीं, दीज चिल्ड्रन आर अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज वाई देवर जुवेनाइल्स सेड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सो इस ऑब्जरवेशन होम के जो बच्चे होंगे ने 18 ईयर्स तो थले ही होंगे। सो आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कलोज द आइडेंटिटी ऑफ द चिल्ड्रन फॉर सिक्योरिटी रीजनस। सो इस करके